थोड़ा मैं आपके बैकग्राउंड में भी जाना चाहता हूँ ताकि लोग समझ पाए बिकॉज यंगस्टर्स आज इतनी स्परिचुअलिटी में नहीं है अध्यात्म में इतने नहीं है पर जैसे जैसे, जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं महसूस होता है कि इसकी जरूरत बहुत है मानसिक शांति की जरूरत बहुत है मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज ही मानसिक शांति है आप आध्यात्मिकता में कैसे आए मैं ये बात कहूँ बच्चे आज यंगस्टर सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ रहे ओके आप देखेंगे हमारे सफर लाखों लोग से भरा हो हाँ जी देखिए यंगस्टर्स को क्या चाहिए कुछ जीवन के प्रश्नों का उत्तर चाहिए जी और उनकी स्पिरिचुअलिटी में कुछ फन चाहिए कोई विनोद चाहिए आनंद चाहिए जी वो सीरियसनेस नहीं पसंद करते हैं जी हमारे धर्म में हमने क्या कर दिया अनफॉर्चुनेटली बड़ा सीरियस बना के बैठे कई धार्मिक स्थल में हंसना भी मुस्कुराना भी पाप ब... ये ना जाता गलत जी वो वहाँ मैनरिज्म नहीं जना कहा जाता है जी हमारी रीति रिवाज कुछ ऐसे वो है तो इसलिए लोग आज वहां से हट के ओर आ रहे हैं आप यहाँ देखोगे सब लोग हंसते खेलते गाते नाचते रहते हैं तो ये जो चीज जो जो हमारे खुदरत से हमको प्राप्त है जी देखिए बच्चा पैदा होते पहले गाता है बहुत बाद में बोलता है पहले नाचता है फिर चलता है जी और मुस्कुराता है तो भाई जी बच्चों के मुस्कुराट देखे वो रोते हुए होंगे आंसू की मोती अभी गाल में है होगी मगर मुस्कान आने में देरी नहीं लगती जी तो ये जो वर्तमान में जीने की कला है ये हमें अपनाना पड़ेगा ये हम कैसे अपनाएंगे ये प्रश्न होता है। कैसे कर सकते हैं? जी जब तक वो तनाव से जूझते होते हैं ये नहीं संभव बहुत मुश्किल लगता संभव सी लगती है तो तनाव से मुक्ति सबसे पहले हमें पाता है पर यंगस्टर्स का जो पहला प्रॉब्लम होता है वो कभी इन सब चीजों को देखते ही नहीं है उनके पहला प्रॉब्लम उनका करियर है और वो अपना करियर नहीं बना पाते अच्छे से उसकी वजह से उनके स्ट्रेस उनके माइंड में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस, है।, तो स्ट्रेस है स्ट्रेस का कारण यही है स्ट्रेस का फॉर्मूला यही है जी बहुत कुछ करने का उमंग है जी एनर्जी नहीं है ताकत नहीं जी समय का अच्छा जमी महसूस करते जी तो तनाव से भर जाते समय को तो हम बढ़ा नहीं सकते नहीं। पर क्या हम बदल सकते हैं यार अपने जरूरतों तो पूरे तो नहीं कर सकते ही जाना है जी हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, अपना ताकत को बढ़ा सकते हैं जी और ध्यान और क्रिया ये सब करने से क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब इतना कॉन्फिडेंस हाई होता है तो तनाव नहीं होता फिर आप देखे होंगे Hmm. जिन जिन युवाओं में कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है हाँ जी वो तनाव से नहीं बढ़ते hmm. तनाव से भरे हुए नहीं होते तो ये आवश्यक है तो कॉन्फिडेंस दो तरह से बढ़ता है एक तो आ, जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर हो जी ये ये को सुनने से hmm. कुछ 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 के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है लोगों में लगता है मैं भी कुछ कर सकता हूँ जी मुझे वो जीवन में उसको गहराई से उतर रहा हूं तो ध्यान करके क्या नींद जब प्राणायाम करें सुदर्शन क्रिया करें ध्यान करें क्या होता है वो अंदर से ही वो कॉन्फिडेंस की जो फवारा उठने लगता है hmm. पर भागती दौड़ती दुनिया मतलब जिस तरह से हम लोग भाग रहे हैं अपने करियर के पीछे पैसे के पीछे भागना चाहिए पर समय नहीं मिल पाता उसको समय को निकाले कैसे इन सब क्रियाओं के लिए देखिए देखिए जितना भी आप व्यस्त हो बिना हाँ ब्रेकफास्ट के बिना खाना खाए बिना नृत्य के जाते हो क्या नहीं नहीं ऐसे ही ये मेंटल हाइजीन मैं बताता हूँ अपने मन की जो तनावों को बाहर करना ज्यादा टाइम नहीं लेता दस मिनट पंद्रह मिनट तो दस से पंद्रह मिनट में हम लोग मेडिटेशन कर करके मेडिटेशन करके निकलो ओके आपको आपके भीतर इतनी एनर्जी महसूस होगी इतना उत्साह भरा रहेगा दिन भर में हमें इतना ताकत है इतना एनर्जी इतना जोश है तब आ जाता है क्या बात है